नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ। महेश जैन, गो तस्करी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद गो रक्षा विभाग के बैनर तले बड़ी संख्या में गो रक्षक जो आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर किरण आजना को ज्ञापन सौंपा गया। गो रक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी करते हुए गो तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी। में बता दें कि गो रक्षक जो है कलेक्टर कार्यालय में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं उन्होंने मांग करी कि गो तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते, किस प्रकार से बैरियर पर 10,000 रुपए की बंदी लेकर गौ तस्करी करवाई जाती है, वाहनों को निकाला जाता है, ऐसे में जिम्मेदारों का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं गो तस्करी के खिलाफ सख्त कानून कर बनाए जाए, नहीं तो प्रदेश भर में प्रदेश के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद जो है इसको लेकर आंदोलन करेगा। विश्व हिंदू परिषद गो रक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें हमने मांग करी है कि जो लगातार गौ तस्करी बढ़ रही है उस तस्करी पर पाबंद हो, और जो पशु मेले लगाए जाते हैं उसमें भी गौ माता का क्रय विक्रय बंद हो, और जो लोग पशु मेलों पर हस्ताक्षर करके जो परिवहन करते हैं गौ माता का उसमें भी तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगे, रोक लगे। आपने प्रशासन से इस बारे में पहले भी बात की है, क्या निदान मिला है? देखिए, प्रशासन ने हमेशा आश्वासन दिया है, और इसीलिए आज हम सब लोग ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। और अगर प्रशासन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से हमको संतुष्टि नहीं मिलती है तो गौ रक्षा विभाग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सड़कों पर उतरेगा और गौ माता के लिए कठिन आंदोलन करेगा। देखिए, हम बड़ी जाँच की आशा करते हैं, प्रशासन यहाँ का प्रशासन करेगा, क्योंकि वहाँ पर पिछली बार भी हमको ध्यान में आया था कि बैरियर पर 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं और गौ तस्करी कराई जा रही है, वाहनों को निकाला जा रहा है। अगर इस प्रकार का काम अगर यहाँ का प्रशासन या कोई भी मिलीभगत से हो रहा है तो यह बड़ा जांच का विषय है, और यह तत्काल जांच होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसके लिए भी विश्व हिंदू